हाय एवरीवन, वेलकम टू डे टू ऑफ वेडिंग। इससे पहले एक प्रीवियस एपिसोड का रिकैप हो जाए जिसमें मेहंदी था। अरे चुरुन, दिस इज द मेन प्री वेडिंग सेरेमनी सिमिलर टू अ ब्राइडल शावर। आज जुरुन सेरेमनी है जाह्नवी का, जो कि प्री वेडिंग सेरेमनीज के लिस्ट में आता है। हियर वी आर ट्राइंग टू गेट द काला चश्मा वाला लुक। अरे कौन, अबे कौन कौन है? फाइनली गॉट द काला चश्मा लुक। चलो जाओ। अभी हम गीगो के झुरन में हैं और अभी हमारा फोटो सेशन है। We got to know that the groom's family will be a bit late, so we decided to get late. And here comes our handsome brother with his beautiful sister. Kishu, look at the camera. Nonju, you are missed very badly here. Riza, you, brother-in-law and Zabu are missed here too. Moina Mahi with her beautiful daughter. And here is our cool Dada. And now we have received the announcement that groom's family has arrived. Aiye, unka swagat karte hain. Here, bride's mother is waiting with the traditional thali to welcome groom's family. जब दुल्हे की साइड के लोग पहुँचते हैं ना, तो यहाँ पे दुल्हन की मदर सबका वेलकम करती है परंपरागत थाली को लेके। अब कुछ मुंह मीठा हो जाए। ट्रेडिशनल एक्सचेंज ऑफ एसमिस गामोसा। परंपरा के अनुसार ट्रेडिशनल एसमिस जो गामोसा होता है ना, उसको एक्सचेंज करते हैं, फिर विथ रिस्पेक्ट पूरे परिवार वालों को अंदर ले आके बिठाते हैं। एंड नाउ टाइम फॉर सम रिफ्रेशमेंट। आइए थोड़ा खा पी भी लेते हैं। Our bride will be coming for the ceremony. अब होती है ब्राइड की एंट्री, क्योंकि उनके बिना तो ये सेरेमनी पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ से सारे सेरेमनीज स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले तो जितने भी मिठाइयाँ, ज्वेलरी, मेकअप किट प्लस अ मिरर, सब कुछ दिया जाएगा ब्राइड को। और ये सारी चीज़ें दूल्हे के हाथ से टच करा के फिर यहाँ पे लाते हैं। और हाँ, एसएमएस वेडिंग में ना सिंदूर सबसे पहले दूल्हे के घर वाले लगाते हैं, दूल्हे से पहले इनफैक्ट। और ये शुभ काम दूल्हे की मदर के हाथों से होता है। आफ्टर सिंदूर सेरेमनी इट्स टाइम टू गिव ज्वेलरी टू द ब्राइड। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, देर इज नथिंग कॉल्ड डाउरी इन एसएमएस वेडिंग। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ कि एसएमएस वेडिंग में डाउरी नाम की चीज़ कुछ होती ही नहीं है। और अभी जो चुरुन के बाद जो भी कुछ एक ब्राइड पहनेगी या दुल्हन पहनेगी, ये सारी चीज़ें दूल्हे के घर से ही दी जाती है। और ये सारे ज्वेलरी पहनाने के बाद ये ट्रेडिशनल अटायर दिया जा रहा है जिसमें शादी होगी, और ये भी दूल्हे की तरफ से ही आता है। आफ्टर एक्सचेंज ऑफ ऑल द गिफ्ट्स, हर इन लॉज हु आर नाउ ऑफिशियली इन लॉज, दे गिव्स हर स्वीट्स एंड देन शी टेक्स द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द एल्डर्स। इनफैक्ट सारे गिफ्ट्स के एक्सचेंज होने के बाद उसके इन लॉज, जो फॉर्मली अब उसके इन लॉज हो गए हैं,
वो उसका मुंह मीठा कराते हैं, फिर वो सबका आशीर्वाद लेती है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर पिक्चर्स विद हर इन-लॉज फैमिली। अब इन लॉज के बाद हम फिर कजिन्स और फ्रेंड्स और फ्रेंड सिस्टर की एल्डर सिस्टर के सब लोग आ गए फिर से फोटो खिंचवाने। एंड हियर द स्टार ऑफ एसमीज मूवीज शाहरुख खान ऑफ असम enters the wedding venue. इनका नाम है श्री जतिन बोरा और ये मेरे बेस्ट फ्रेंड के कजन है। इनके वेन्यू में एंटर करते ही पूरा माहौल ही फिल्मी हो गया था, पर हम इतने mesmerized हो गए कि हम फोटोग्राफ्स क्लिक करना ही भूल गए, प्लस हम लंच भी करने में बिजी हो गए थे। और आपको बता दूँ, लंच का वीडियो तो मैं बना नहीं पाई, बट लंच वॉज ऑल्सो ऑसम। और ये है हमारे श्रीनिवास जीजू की मदर, यानी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की मदर इन लॉ। आंटी, अंकल एंड सम अदर गेस्ट, दे ऑल केम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद। आप ना लोग सबो के थैंक यू दे, आप सबको अ बिग थैंक यू फॉर सर्विंग अस सो वेल। और ये सेरेमनी पोस्ट लंच ही ख़त्म हो जाती है। अब दूल्हे वाले अपने वापस जा रहे थे, आंटी थोड़ा इमोशनल हो गई थी। बाय बाय। अरे अरे, दिस बाय बाय इज नॉट फॉर यू, वेडिंग अभी बाकी है, अभी तो डे 3 डे 4 देखने के लिए रेडी हो जाइए।